Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of operations research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on optimal solution to our transportation problem. Or is regarding question? The following table provides all the necessary information on the availability of supply to each warehouse, the requirement of each market, and the unit transportation cost in rupees. फ्रॉम ईच वेयर हाउस टू ईच मार्केट तो यहाँ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है सप्लाई के रिगार्डिंग डिमांड के रिगार्डिंग और यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के रिगार्डिंग फ्रॉम ईच वेयर हाउस तो टू ईच मार्केट इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर टेबल आपको डिफाइन है यहाँ पर यहाँ मार्केट को डिफाइन किया गया यहाँ वेयरहाउस को डिफाइन किया गया पी क्यू आर एस चार मार्केट है और ए बी सी ये तीन वेयर हाउस है ठीक है ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस टेबल में आपको दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के दे रखिए द शिपिंग क्लर्क ऑफ द शिपिंग एजेंसी हैज़ वर्कड आउट द फॉलोइंग शेड्यूल तो एक प्रॉपर शेड्यूल उसने भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है और शेड्यूल क्या है ट्वेल्व यूनिट्स फ्राम ए टू क्यू वन यूनिट फ्रॉम ए टू आर नाइन यूनिट्स फ्रॉम ए टू एस फिफ्टीन यूनिट्स फ्रॉम बी टू आर एंड सेवन यूनिट्स फ्राम सी टू पी एंड वन यूनिट फ्रॉम सी टू आर ये एक प्रॉपर शड्यूलिंग की गई है सिपिंग क्लर्क के द्वारा यानी कि आपको इनिशियल सॉल्यूशन यहां पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है यहां पर चेक एंड सी वेदर द क्लर्क हैज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ नॉट फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमल शेड्यूल एंड मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो यहां आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ इनिशियल सॉल्यूशन है क्या यह ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है अगर कर रहा है देन इट इज ओके और अगर नहीं कर रहा है तो आपको ऑप्टिम शेड्यूल को डिफाइन करना है और इसके साथ साथ मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी कैलकुलेट करना है ठीक है तो यहां पर हमें इनिशियल सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें केवल केवल क्या करना है ऑप्टिमलिटी को चेक करना है दिए हुए इनिशियल सॉल्यूशन के रेफरेंस में तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है शेड्यूल के रिगार्डिंग उस शेड्यूल को मैंने यहां पर प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स के अंदर देखा ना ए टू क्यू ट्वेल्व यूनिट्स ए टू आर वन यूनिट ए टू एस नाइन यूनिट्स बी टू आर फिफ्टीन यूनिट्स सी टू पी सेवन यूनिट्स एंड सी टू आर वन यूनिट्स का एक शेड्यूल सिपिंग क्लर्क के द्वारा डिसाइड किया गया है यानी कि ये इनिशियल सोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है अब हमें चेक करना है कि क्या ये ये सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है ठीक है तो इसके लिए मैं मोदी मेथड का यूज़ करूँगा ऑप्टिमिलिटी को टच करने के लिए जैसे हम यू मेथड का भी नाम देते हैं तो इसमें मैंने क्या यहां कर रखा है यहाँ यू की वैल्यूज़ को डिफाइन करना है ए के रेफरेंस में यू फिर बी के रेफरेंस में यू टू सी के रेफरेंस में यू थ्री की वैल्यू को डिटरमाइन करना है ऐसे ही पी के रेफरेंस में वी वन क्यू के रेफरेंस में वी टू आर के रेफरेंस में वी थ्री और एस के रेफरेंस में वी फोर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मला यूज करेंगे कौन सा सी आई जे इजिकल टू यू आई प्लस वी जे का ठीक है पहले तो मुझे है? जीरो रखना है जहां मैक्सिमम एलोकेशन है तो इस आर कॉलम में तीन एलोकेशन है जो मैक्सिमम है तो इसका करस्पॉन्डिंग वी थ्री की वैल्यू हो जाएगी जीरो वी थ्री की जीरो की वैल्यू अब इसके करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल्स को या ऑक्यूपाइड सेल्स को हम चेक करेंगे तो ये ऑक्यूपाइड सेल है इसके करस्पोंडिंग यू वन है तो वैल्यू बनेगी फाइव इजिकल टू यू वन प्लस जीरो तो यू वन हो जाएगा फाइव सीधे सीधे तो यू वन की वैल्यू मैंने फाइव रख दी ऐसे देखो ये टू एलोकेटेड है ऑक्यूपाइड सेल है टू इजल टू यू टू प्लस जीरो तो यू टू टू हो जाएगा क्लियर ऐसे देखो एट इजिकल टू यू थ्री प्लस जीरो क्योंकि ये भी ऑक्यूपाइड सेल है तो यू थ्री हो जाएगा एट ये तो आसानी से निकल कर आ है अब मुझे देखना है इस फाइवॉन्डिंग ये सेल एलोकेटेड है तो थ्री इज इगल टू फाइव प्लस वी टू तो थ्री इजिकल टू फाइव प्लस वी टू ये क्या सी आई जी इजिकल टू यू आई प्लस में ये फाइव इधर जाएगा थ्री माइनस फाइव तो इससे आपका जो v2 है दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू तो v2 टू भी रख दिया मैंने माइनस टू ठीक है अब देखिए ये वैल्यू मुझे पता है और ये सेल एलोकेटेड है ऑक्यूपाइड है तो ये आएगा फाइव इजिकल टू एट प्लस वी वन यहाँ लग दीजिए फाइव इजिकल टू एट प्लस वी वन तो इससे वी वन की वैल्यू आएगी फाइव माइनस एट यानी कि माइनस थ्री तो वी वन की वैल्यू को मैंने यहाँ पर माइनस थ्री रख दिया ठीक है कौन सी वैल्यू बची वी फोर बची वी फोर में ये ऑक्यूपाइड सेल है और फाइव की वैल्यू पता यू वन की वैल्यू तो फोर इजिकल टू फाइव प्लस वी फोर आएगा फोर इजिकल टू फाइव प्लस वी फोर तो इससे वी फोर की वैल्यू आएगी फोर माइनस फाइव यानी कि माइनस वन तो वी फोर की वैल्यू आएगी माइनस वन अब मुझे निकालने हैं अनऑक्यूपाइड सेल के लिए डी आई जे यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, की वैल्यू और इसके लिए फॉर्मूल यूज करूंगा मैं डी आई जे टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे तो पहले निकालूंगा मैं ये वाला सेल डी वन वन तो डी वन वन सी आई कितना है सिक्स माइनस यू कितना से करस्पॉन्डिंग फाइव और वी कितना है माइनस थ्री तो ये फाइव माइनस थ्री आएगा फाइव माइनस थ्री टू और सिक्स में से टू गए ये बचेगा फोर तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी प्लस फोर ठीक है एज ही फाइव की बात करते हैं ये सेल अनऑक्युपाइड है तो ये वैल्यू बनेगी डी टू वन एजिकल टू फाइव माइनस यू कितना करस्पॉन्डिंग टू माइनस वी कितना थ्री ठीक है टू माइनस थ्री माइनस वन और माइनस वन प्लस हो जाएगा फाइव प्लस वन यानी कि सिक्स तो ये वैल्यू कितनी आ गई ये प्लस सिक्स ऐसे इसके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे अब मैं कुछ डायरेक्टली निकाल लेता हूँ नाइन माइनस टू माइनस टू जीरो जाएगा और नाइन माइनस जीरो कितना जाएगा प्लस नाइन तो ये वैल्यू जाएगी प्लस नाइन ठीक है एज इस सेवन के करस्पॉन्डिंग एट माइनस टू सिक्स और सेवन माइनस सिक्स कितना आएगा वन ये हो गया प्लस वन ठीक है अब इसका करस्पॉन्डिंग सिक्स माइनस एट माइनस वन सेवन हो जाएगा और सिक्स माइनस सेवन बचेगा तो माइनस वन आ जाएगा यहाँ पर ठीक है अब हम चेक करते हैं डी आई जी हमारे सारे पॉजिटिव है या नहीं है तो ये डी आई जी हमारा नेगेटिव आ गया ये नेगेटिव आ गया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग डॉट पुट अप कर देंगे ठीक है आपने ये डॉट इसके सामने रिप्रेजेंट कर दिया और डॉट रिप्रेजेंट करते ही एक प्लस साइन इसे दे दिया अब मुझे एक क्लोज लू बनाना है ठीक है यहीं से स्टार्टिंग करेंगे और यहीं पे फिनिश कर देंगे यहाँ से आप यहाँ मूव करें यहाँ से यहाँ मूव करा यहाँ से यहाँ मूव करा यहाँ से यहाँ मूव करा और अगेन इस पॉइंट पर आ गए तो ये लूप तैयार हो गया हमारा तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ लूप को ये मूव करेंगे आप यहाँ जाएंगे इसके बाद इस पर जाएंगे आप वन से आप नाइन की तरफ मूव करेंगे और फिर अगेन आप नाइन से इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वापस आ जाएंगे ठीक है अब क्या करना है मुझे इसको प्लस साइन दिया है तो ये माइनस आन नहीं जाएगा ये आपका प्लस साइन ही जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस साइन ठीक है माइनस साइन में देखते हैं एलोकेशन कितने कितने है ये नाइन का एलोकेशन है ये वन का एलोकेशन है तो इस वन को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मिनिमम को सेलेक्ट करते हैं दोनों में से अब इस वन को यहाँ से तो माइनस कर दोगे और यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ एलोकेशन जाएगा वन का यहाँ एलोकेशन खत्म हो जाएगा यहाँ एलोकेशन आएगा टू का और यहाँ एलोकेशन हो जाएगा एट का ठीक है तो हमें एक नया एलोकेशन मिलेगा लेकिन उसको डिटरमाइन करने से पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं अभी कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो एट प्रेजेंट तभी तो हमें पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हुई या नहीं हुई तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकाल लेते हैं कितनी है प्रेजेंट में थ्री इंटू ट्वेल्व प्लस फोर इंटू नाइन प्लस टू इंटू फिफ्टीन प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस एट इंटू वन इंटू ट्वेल्व फाइव इंटू वन ये रह गया फाइव इंटू वन वाला फाइव इंटू वन ठीक है बारह तीन छत्तीस चार छत्तीस पाँच एक पाँच पंद्रह दिन तीस पाँच हते पैंतीस और आठ एकम आठ छः और छः बारह और एक तेरह तेरह पाँच अठारह अठारह और छब्बीस छः दो और तीन पाँच और तीन आठ और तीन ग्यारह और तीन चौदह वन फोर सिक्स कितने आ गए ये रुपीज़ वन फोर सिक्स आ एक बार बच्चा कर लेते हैं फिर से महीना छः और छः बारह और एक तेरह और पाँच अठारह और आठ छब्बीस का छः दो और तीन पाँच और तीन आठ और तीन ग्यारह और तीन चौदह वन फोर सिक्स ठीक है ये तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एट प्रजेंट और यहाँ हमने क्या करा था यहाँ पर यहाँ पर हमें नया एलोकेशन मिलेगा जाएगा यहाँ एलोकेशन हो जाएगा एट का यहाँ एलोकेशन हो जाएगा टू का यहाँ से एलोकेशन खत्म हो जाएगा और यहाँ एलोकेशन हो जाएगा वन का तो जो नया एलोकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास और सो दिस विल बी द न्यू एलोकेशन न्यू शेड्यूल थ्री पर तो आपका ट्वेल्व का एलोकेशन ठीक है एज फाइव पर वन का था अब हो जाएगा टू का एलोकेशन एस फोर पर आपका नाइन का एलोकेशन था और अब यह रह जाएगा एट का एलोकेशन ठीक है और ऐसे ही इस टू पर फिफ्टीन का था यह अनअफेक्टेड रहेगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एट पर आपका एलोकेशन था अब यह खत्म हो जाएगा और ये एलोकेशन यहाँ पहुंच जाएगा छः पर और यहाँ पर वन का एलोकेशन हो जाएगा और इस फाइव पर सेवन का एलोकेशन था यह एज इट इज रहेगा ठीक है अब हम इसका कैसे पढ़ेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन ये रिवाइज है रिवाइज टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं कितनी होगी बारह थे छत्तीस डायरेक्ट निकाल लूँ मैं इसको प्लस पाँच दूनी दस प्लस चार अठे बत्तीस पंद्रह दूनी तीस पाँच सत्ते पैंतीस और छः कम छः, ठीक है इसको ऐड कर देते हैं हम लोग छः और दो आठ और पाँच तेरह तेरह छः उन्नीस का नौ उन्नीस का नौ एक तीन और एक चार और तीन सात और तीन दस और एक ग्यारह और तीन चौदह ये कॉस्ट तो पहले से बढ़ गई पहले वन फोर्टी सिक्स थी और अब आई वन फोर्टी नाइन इसका मतलब अभी इसके अंदर और अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इस कॉस्ट को और कम कर सकें तो फिर से हम अपमिलिटी चेक करते हैं इसके ना और ऑप्टीमिलिटी चेक करने के लिए फिर से हम यू वन यू टू यू थ्री और वी वन वी टू वी थ्री वी फोर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट का, करेंगे तो यहां आपकी वैल्यू होगी यू वन जीरो जो कि यहां पर तीन एलोकेशन हैं यू वन जीरो हो गया यू वन जीरो हो गया अब इसके क्राइपॉर्डिंग देखो थ्री इजिकल टू यू वन प्लस वी टू तो ये जाएगा थ्री ऐसे ही वी थ्री निकालेंगे इसका तो जाएगा फाइव ये जाएगा फोर इजिकल टू जीरो प्लस वी फोर तो वी फोर जाएगा फोर मैं डायरेक्टली रहा हूँ यहां पर क्योंकि समझ में आ गया किस तरह से निकालना है अब ऐसे ही मुझे निकालना है यू टू की वैल्यू तो इसके कैसे स्पर्डिंग ऑक्यूपाइड सेल है टू इजिकल टू यू टू प्लस फाइव तो टू माइनस फाइव यानी कि माइनस थ्री हो जाएगा ये ठीक ऐसे यू थ्री की, की वैल्यू निकालनी है मुझे तो ये ऑक्यूपाइड सेल है ये मुझे वी फोर की वैल्यू पता है तो सिक्स इक्वल टू यू थ्री प्लस फोर और सिक्स माइनस फोर यानी कि ये प्लस टू हो जाएगा ठीक है अब मुझे निकालनी है डी आई जे की वैल्यू अनऑक्यूपाइड सेल के लिए तो पहले मैं इसके करस्पोंडिंग निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे सिक्स माइनस जीरो प्लस सेवन सेवन आएगा और सिक्स माइनस सेवन कितना हो गया माइनस वन ठीक है ऐसे निकालेंगे इसके करस्पॉन्डिंग फाइव माइनस माइनस थ्री अच्छा वी वन की वैल्यू तो निकालनी रहेगी हमारी है तो वी वन आएगा फाइव के करेस्पॉन्डिंग तो फाइव इजल टू टू प्लस वी वन फाइव माइनस टू यानी कि थ्री वी वन की वैल्यू होगी थ्री चलिए ये भी आगे निकल के कोई बात नहीं फाइव के करेस्पॉन्डिंग मुझे डी आई जी निकालना है तो ये आएगा फाइव माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो और फाइव माइनस जीरो यानी कि प्लस फाइव हो जाएगा अब नाइन के करस्पॉन्डिंग निकालिए नाइन माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा यानी कि ये भी प्लस नाइन हो जाएगा ठीक है सेवन के करस्पॉन्डिंग माइनस थ्री प्लस फोर प्लस वन और सेवन माइनस वन कितना आएगा प्लस सिक्स ठीक है ए सेवन का करस्पॉन्डिंग निकालिए सेवन माइनस टू प्लस थ्री फाइव और सेवन माइनस फाइव यह आएगा प्लस का टू अब इसका करस्पॉन्डिंग निकालिए एट माइनस टू प्लस फाइव सेवन और एट माइनस सेवन ये आएगा प्लस का वन तो सारी वैल्यूज़ प्लस में है लेकिन ये वैल्यू माइनस में है तो यहाँ आपने रख दिया डॉट डॉट रख दिया अब मुझे एक बनाना है लूप तो लूप कैसे बनेगा यहाँ पर यहाँ से आप मूव करेंगे यहाँ तक फिर यहां आएंगे फिर यहां आएंगे और यहां जाएंगे यही तरीका है यह बस और कोई तरीका नहीं है तो यहाँ से आप मूव कर रहे हैं इस तरह से फिर इस एट से आपने यहाँ मूव करा फिर इससे आपने यहाँ मूव करा और वापस आप इसी पॉइंट पर आ गए लौट के तो ये आपका क्लोज्ड लूप बन गया इस क्लोज लूप में इसको तो रखेंगे आप प्लस साइन इसको रखेंगे माइनस साइन इसको रखेंगे प्लस साइन और इसको रखेंगे माइनस साइन ठीक है अब जो माइनस साइन वाले हैं ये दो हैं सेल ये दोनों माइनस वाले सेल हैं इन सेल में जो एलोकेशन है एक सेवन का है एक ऐट का है तो इसमें से कम कौन सा है सेवन वाला तो इस सेवन वाले को मैं माइनस करूँगा माइनस वाले में से और प्लस कर दूंगा प्लस वाले में तो यहाँ तो सेवन का एलोकेशन जाएगा यहाँ वन का एलोकेशन रह जाएगा यहाँ से जा एलोकेशन हट जाएगा और यहाँ एलोकेशन जाएगा कितने का सेवन प्लस वन यानी कि एट का तो हमारे पास एक नया एलोकेशन आएगा अब वो नया एलोकेशन क्या होगा इसको हम देख लेते हैं अब सो द न्यू एलोकेशन विल बी एज फॉलोज यहाँ छः पर आपका हो जाएगा एलोकेशन सात का यहाँ एलोकेशन नहीं था यहाँ सात का जाएगा तीन पर पहले भी बारेगा का था अब भी का रहेगा इस पाँच पर दो का एलोकेशन रहेगा ठीक है इस चार पर पहले आठ का एलोकेशन था सात माइनस करोगे तो एक का एलोकेशन हो जाएगा इस दो पर पंद्रह का एलोकेशन था यह इज रहेगा ठीक है और यहाँ जो छः था यहाँ पर एलोकेशन हो जाएगा अब आठ का ठीक है एक का एलोकेशन था सात बढ़ जाएंगे तो आठ का एलोकेशन हो जाएगा अब हम निकालते हैं टोटल रिवाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्टली निकाल देता हूँ सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू भारतीय छत्तीस पांच दोनी दस चार चारम चार पंद्रह दूनी तीस और आठ से हो जाएगा अड़तालीस इनको एड कर दीजिए आठ और चार बारह और छह अठारह और दो बीस दो और चार छः और तीन नौ और एक दस और तीन तेरह और चार सत्रह रुपीज वन सेवन जीरो आठ और चार बारह और छ अठारह और दो बीस जीरो दो और चार छः और तीन नौ और एक दस और तीन तेरह तेरह और चार सत्रह यह आ गई रुपीज वन सेवेंटी चेक कर लेते हैं एक बार क्या ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है एक बार हम इसे चेक करना तो चेक कर लेते हैं इसको इसके लिए हमें एक वैल्यू जीरो रखनी है तो यू वन की वैल्यू को रखेंगे जीरो क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग चार एलोकेशन है आपके ठीक है अब ये जीरो के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएंगे वी वन की वैल्यू जाएगी सिक्स वी टू की वैल्यू हो जाएगी थ्री V3 की वैल्यू हो जाएगी फाइव और V4 की वैल्यू जाएगी फोर ये तो ऐसी जाएंगे क्योंकि सी आई जी इजगल टू यू आई प्लस वी आई में यू वन जीरो है सब में ठीक है अब मुझे निकालना है U2 की वैल्यू तो ये सेल एलोकेटेड है आपका ऑक्यूपाइड है टू इजल टू यू टू प्लस फाइव तो टू माइनस फाइव यानी कि माइनस थ्री हो जाएगा ठीक है नाउ यू थ्री की वैल्यू निकालनी है मुझे तो यू थ्री की वैल्यू निकालने के लिए ये ऑक्यूपाइड सेल है सिक्स इजिकल टू यू थ्री प्लस फोर सिक्स माइनस फोर यानी कि ये टू हो जाएगा ठीक है अब मुझे निकालनी है डी आई जी फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स तो पहले इसकी बात करते हैं फाइव माइनस माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री और सेवन फाइव माइनस थ्री कितना आएगा प्लस टू ठीक अब नाइन वन में से माइनस करेंगे माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो तो ये प्लस नाइन ही रहेगा अब इसके क्या सेवन माइनस माइनस थ्री प्लस फोर प्लस वन एंड सेवन माइनस वन यानी कि प्लस सिक्स इसमें देखते हैं फाइव माइनस टू प्लस सिक्स एट और फाइव माइनस एट यानी कि माइनस थ्री सेवन माइनस टू प्लस थ्री फाइव फाइव सेवन माइनस फाइव यानी कि प्लस टू एट माइनस टू प्लस फाइव सेवन एट माइनस सेवन यानी कि प्लस वन एक साल निगेटिव आ गया यहाँ पर एक साल निगेटिव आ गया तो यहां मैं करूंगा डॉट अब मुझे बनाना है क्लोज लूप ठीक है तो क्लोज लूप बनाने के लिए यहाँ से यह मूव करेंगे ठीक है यहाँ से यह मूव करेंगे यहाँ से यह मूव करेंगे और यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे एज एक तरीका और है यहाँ से यह मूव कर गए यहाँ से यह मूव कर गए यहाँ से यह मूव कर गए यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ तो दो तरीके से क्लोज लूप बन सकते हैं अब कौन सा बेनिफिशियल होगा अगर मैं इस वाले को फॉलो करता हूँ तो यहाँ तो आएगा प्लस साइन ठीक है यहाँ तो आ गया प्लस साइन लेकिन इससे अगले वाले में साइन आएगा नेगेटिव का तो ये नेगेटिव का एट कवर होगा और नेगेटिव का सेवन कवर होगा तो सेवन मैक्सिमम कवर होगा यहाँ पर ना और अगर मैं इस वाली रूट को फॉलो करता हूँ तो भी सेवन कवर होगा ये भी नेगेटिव का होगा तो किसी भी को आप फॉलो कर लीजिए ठीक है मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट करा यहाँ से मैं मूव करा एट पर ठीक है और एट से फिर मैं मूव करूँगा इस तरफ फिर इस से मूव करूँगा मैं इस तरह से सेवन तक मूव करूँगा और सेवन से फिर मैं अगेन इस पॉइंट की तरफ मूव कर जाऊँगा तो एक क्लोज ग्रुप तैयार हो गया मेरा ये प्लस साइन है इसको आप माइनस ऑफर करोगे इसको आप प्लस साइन ऑफ़र करोगे और इसको फिर आप अगेन माइनस साइन ऑफ़र करोगे माइनस में दो वैल्यूज़ है एक एट और एक सेवन ठीक है तो सेवन को आप सेलेक्ट करोगे तो माइनस वाले में से तो माइनस कर दोगे और प्लस वाले में प्लस कर दोगे तो यहाँ तो एट का एलोकेशन हो जाएगा और यहाँ सेवन का एलोकेशन हो जाएगा ठीक है और यहाँ आपका रह जाएगा वन का एलोकेशन इने? तो हमें एक नया एलोकेशन मिलेगा क्या होगा नया एलोकेशन लेट अस हैव अ लुक ओवर द न्यू एलोकेशन और न्यू शेड्यूल इन दिस वे द न्यू शेड्यूल विल बी एज़ फॉलोस और नए शेड्यूल में यहाँ तीन पर एलोकेशन हो जाएगा आपका कितने का बारह का होगा ठीक है और फिर ये पाँच पर आपका दो का एलोकेशन हो जाएगा इस चार पर आपका एलोकेशन लोकेशन रह जाएगा एट का ठीक है और इस टू पर रह जाएगा फिफ्टीन का जो एजेज रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं होना है यहाँ पाँच पर कोई एलोकेशन नहीं था यहाँ एलोकेशन नहीं आएगा सेवन का ठीक है यहाँ चार पर एक का एलोकेशन था तो यह आठ का हो गया जुड़कर एक और ऐसे ही इस छः पर एलोकेशन अब रह जाएगा एक कर। का पहले आठ का एलोकेशन था सात माइनस होंगे तो एक का एलोकेशन रह जाएगा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन जो नया एलोकेशन मिला है हमें वो वही है वो जब हमने फर्स्ट टाइम में ऑप्टिविलिटी चेक करी थी और ऑप्टिमल टी चेक करने का जो हमारा सोल्यूशन आया था वो सेम यही सोल्यूशन था और इसके करस्पॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी डिवाइस्ड ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सेम वही आएगी जो हमने उस समय रिसीव करी थी कितनी रहेगी देखो बाढ़ थी छत्तीस प्लस पाँच दूनी दस प्लस चार्टे बत्तीस प्लस बारह पंचायत साठ प्लस पाँच सत्तर पैंतीस प्लस छः एकम छः कितनी है ये दैट इज इक्वल टू रुपीज छः और दो आठ और पाँच तेरह और छः उन्नीस एक तीन चार और छः दस और तीन तेरह और एक चौदह और तीन फिर से चेक कर लेते हैं वह तीन और एक चार और तीन सात और छः तेरह और तीन सोलह बारह छत्तीस पाँच दस साठ बत्तीस पंद्रह दूनी तीस ये साठ नहीं है तीस होगा सॉरी इसी वजह से डिफरेंस इतना आ गया ये पंद्रह दूनी तीस पाँच इतने पाए थे, थे छः कम छः आप चेक करो जो छः और दो आठ और पाँच तेरह और छः उन्नीस का नौ एक और तीन चार और तीन सात और तीन दस और, और ग्यारह और तीन चौदह वन फोर्टी नाइन आई थी वही भी वो भी आपकी वन फोर्टी नाइन आई थी ये भी वन फोर्टी नाइन आ रही है सेम सॉल्यूशन आ गया इसका यही सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहेगा अभी आपको आगे प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है दिस इज द थी 146, तो इसका अगर वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है तो जो वन फोर्टी सिक्स है वही ऑप्टिम कॉस्ट कहलाएगी क्योंकि तो उसके मामले जाता है इट इज मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर शिपिंग क्लर्क वो कितनी थी दैट वॉज रुपीज वन फोर्टी सिक्स तो इसका मतलब यही आपका सोल्यूशन होगा यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शिपिंग क्लर्क ने जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिटरमाइन की थी वही मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी और जो डिसाइड किया था शेड्यूल ने वही आपका ऑप्टिमम शेड्यूल रहेगा ओके थैंक यू